नमस्कार, मैं संदीप ज्ञान गुरु सैंडी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे 9 से 10 कुछ वो बातें जिनके लिए किसी टैलेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर उसको हम अपने अंदर लेके आ जाएं, तो वो हमें लाइफ में ग्रो करने में काफ़ी मदद करेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, इस कोरोना महामारी में आपने एक चीज़ तो समझ लिया होगा कि हेल्थ इज़ वेल्थ। तो अपने लाइफ की वैल्यू को आप समझिए, अच्छा खाना खाइए, शरीर को स्वस्थ रखिए, हेल्दी डाइट और हेल्दी टिप्स दोनों फॉलो कीजिए, अच्छा नरिशमेंट लीजिए और अपने बॉडी की देखभाल कीजिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। दूसरा आ जाता है हमारा फॉरगिविंग नेचर, यानी कि दूसरों को आप माफ़ करना सीखिए। हो सकता है सामने वाला कई बड़ी बड़ी गलतियां कर चुका हो, लेकिन जब आप उसे माफ़ करते हैं तो आप अपने अंदर एक सुकून महसूस करते हैं और सामने वाले को भी ये लगता है कि इस इंसान का दिल कितना बड़ा है कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी और फिर भी मुझे माफ़ी मिल गई। तो फॉरगिविंग समवन एक बहुत बड़ा आर्ट है जो हर कोई नहीं सीख सकता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्पीक लेस लिसन मोर, यानी कि आपको कम बोलना है ज़्यादा सुनना है। अधिकतर लोगों की आदत ये होती है कि वो बोलते ज़्यादा हैं सुनते कम हैं। इससे क्या होता है, आपसी मनमुटाव तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ में एक दूसरे की जो भी अपने मन की बातें हैं या जो भी आपका जो मंशा है वो सामने वाला समझ नहीं पाता है, क्योंकि आप दोनों उसी वेग में बोल रहे हैं। तो जब आप कम बोलते हैं और सुनते ज़्यादा हैं तो आपके अंदर की धैर्य शक्ति जो है वो भी बढ़ती है, साथ में आपका नॉलेज भी बढ़ता है और आपसी तनाव भी बहुत कम हो जाता है। अगला आ जाते हैं हम अपने योगा और एक्सरसाइज के ऊपर, यानी कि प्रतिदिन अगर आप आधा घंटा भी योगा या एक्सरसाइज कर लेते हैं तो फिर आपका पूरा शरीर जो है पूरे दिन के लिए चुस्त और दुरुस्त रहता है। योगा करने से आपका ध्यान एक जगह केंद्रित होने में मदद करता है, साथ के साथ में आपको पूरे दिन जो है ताज़गी का एहसास दिलाता रहता है। मेडिटेशन और एक्सरसाइज, ये चीज़ें जो हैं आपको हमेशा स्वस्थ रखेंगी और बीमारियों को भी आपसे दूर रखेंगी। अगला हम लोग आ जाते हैं पॉइंट पे डिटॉक्सिकेशन ऑफ जो भी आपका माइंड है। वो कैसे करेंगे आप, जैसे कि पूरे वीक आप कंटिन्यूसली, आज टेक्नोलॉजी के युग में आप जानते हैं मोबाइल का यूज़, लैपटॉप का यूज़, स्मार्ट टीवी का यूज़ कितना ज़्यादा बढ़ गया है। तो एक दिन पूरे हफ्ते में ऐसा रखिए जब आप इन तीनों में से अपने आप को दूर कर लें, यानी कि ना आपको नोटिफिकेशन तंग करे, ना आपको मैसेज तंग करे, ना किसी तरह का सीरियल, ना कोई वेब सीरीज, कुछ भी आपको परेशान ना करे, ना तो फिर आप सॉफ्टवेयर हार्डवेयर रिलेटेड कोई काम करें। यानी एक दिन पूरे अपने दिमाग को रेस्ट दे दीजिए, तो ये आपका माइंड को जो है वो डिटॉक्सिकेट कर देगा और साथ ही साथ उसमें जो है आपका नया चीज़ों को भरने के लिए आपको जगह भी बना देगा एक तरह से, यानी कि आपका माइंड बिल्कुल ही फ्रेश हो जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्टडी, यानी कि आप जानते होंगे जब भी लोग स्टडी करते हैं या तो प्रेशर में करते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू, पेरेंट्स के लिए, या फिर आपको अगर आपके बॉस ने बोला है कि भाई इस चीज़ों को आपको पढ़ के आना है, तभी आप उसे पढ़ते हैं। लेकिन कई बार जब आप सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए या फिर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चीज़ों को पढ़ते हैं, वो आपको आराम भी देता है दिमाग को और साथ के साथ में आप वो विश्वास लेके आता है कि नहीं, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आप एग्ज़ाम या रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ही कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, कुछ जानने के लिए, कुछ समझने के लिए, कुछ नॉलेज के लिए कर रहे हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा रिलीफ फैक्टर है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम नोट डाउन योर एकम्प्लिशमेंट्स। अपने एसेट्स को आप एनालाइज कीजिए और अपने आप पर यकीन रखिए, आपसे बेहतर कोई भी नहीं है। आपने अपने लाइफ में जितना कुछ भी किया है उसको जब आप एक जगह जॉट डाउन करते हैं तो आपको बहुत बड़ा रिलीफ देता है। नेक्स्ट, अपने प्रेजेंट पे फोकस कर लिए, पास्ट पे रिपेंट करके या फ्यूचर को प्लान करके आप प्रेजेंट को खो देते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज़ आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे और किसी कारणवश नहीं कर पाए, तो अब इसके बारे में सोच करके कोई फ़ायदा नहीं है कि आपने पास्ट में उसे कंप्लीट नहीं किया। फ्यूचर में आप उसे एक दो साल बाद कंप्लीट करेंगे तो वो आपको और लेट ही करेगा। प्रेजेंट में अगर आप री एडमिशन ले लेते हैं या फिर आप री एग्ज़ाम ले लेते हैं तो आप नेक्स्ट फ्यूचर के लिए रेडी रहेंगे किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने के लिए। ये जस्ट एक एग्ज़ाम्पल था आपको ये बताने के लिए कि कैसे हमें प्रेजेंट को ही जीना चाहिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इस चीज़ पे कि हमें हर किसी से प्यार से बात करनी चाहिए,
यानी कि लव एवरीवन। आप उनसे फिजिकली मिलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आज के ज़माने में ज़्यादातर लोग जो है फ़ोन पे ही बात करते हैं और फ़ोन पे ही सारा कुछ ले लेते हैं, ये नहीं जाके देखते हैं कि वो व्यक्ति सच में क्या सफ़र कर रहा है, क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। चैरिटी और काइंडनेस तभी यहाँ से जन्म लेगा जब आप हर किसी के लिए उतना ही प्यार रखेंगे, और जब आप आखिरी क्षणों में होंगे अपने ज़िंदगी के, तो ये सारे पल आपको रिवाइंड होकर काफ़ी खुशी प्रदान करेंगे कि आपने कितना कुछ किया लोगों के लिए। सोशल मीडिया पर रिस्ट्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जीवन में। सोशल मीडिया को कहाँ तक अपने जीवन में आने देना है और कहाँ तक उसको जीवन से प्ले करते रहने देना है, ये आप पे डिपेंड करता है। कई तरह की आप सीरीज़ देखते हैं, कई तरह का आप समय गुजारते हैं, बहुत सारा चीज़ देखते हैं, फेसबुक, ट्विटर हो गया, चाहे इंस्टा हो गया, या फिर आपके वेब स्टोरीज़ हो गए, वेब सीरीज़ हो गए, आजकल सब कुछ आपका सोशल मीडिया के थ्रू ही चल रहा है। पर आपको ये पता है कि आपका हेल्थ आपके लिए कितना ज़रूरी है? याद रखें, रात को जो है अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ करें, नोटिफिकेशंस को, उसे DND का इस्तेमाल करें, ताकि हर समय आपका दिमाग अलर्ट पे न रहे और हर समय आपका दिमाग इस बात को ना सोचता रहे कि क्या पता कहाँ से कौन सा फ़ोन कॉल आ जाए, कहाँ से कौन सा मैसेज आ जाए, कहाँ से कौन सा नोटिफिकेशन आ जाए, ट्विटर पर क्या आ जाएगा, इंस्टाग्राम पे अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, यूट्यूब पे हमारा लाइक्स और कमेंट्स बढ़ा कि नहीं बढ़ा। एक समय आपके दिमाग को आराम देना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए डिसीजन आप ही को लेना है कि सोशल जो भी नेटवर्किंग आप कर रहे हैं उसको कहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया जाए। जो भी चीज़ आप देख रहे हैं उस पर आप एज रिस्ट्रिक्शन लगा के रखिए, ताकि जब आप घर में हो तो आपके बच्चे जो है उसका मिसयूज़ ना कर लें। ये कुछ छोटे छोटे चीज़ें हैं जिसमें आपको टैलेंट की कहीं से भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि जो है आप लाइफ में सही तरीके से आगे बढ़ सकें। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हर चीज़ के लिए भगवान को रात में एक बार धन्यवाद देना, यानी कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा, कुछ अच्छी चीज़ें आपके साथ हुई, आपका आप मेंटली फिट हैं, आप फिजिकली फिट हैं, इन सब चीज़ों के लिए भगवान को एक बार आप रात में सोने से पहले प्रणाम करके धन्यवाद जरूर दें। यह क्या करेगा, आपके माइंड को थोड़ा रिलैक्स करेगा, आपको नींद अच्छी आएगी, और सुबह जो है फिर से आप तरोताजगी से नया जीवन जी सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे टिप्स थे थोड़े बहुत, जो आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में विदाउट टैलेंट, मतलब अपने आप में सेल्फ इम्प्रूवमेंट ला करके आपके जीवन को काफ़ी स्मूथ बनाएगा। छोटे छोटे ही ट्रिक्स थे, लेकिन काफ़ी काम का ट्रिक्स थे। अगर एक या दो भी आप इसमें से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं अपने जीवन में, तो मेरे ख्याल से जीवन आपका थोड़ा आसान ज़रूर हो जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। इसी तरह का और भी वीडियोस देखने के लिए, नोटिफिकेशंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। गौतम बुद्ध का प्रकाश आपके जीवन में सदैव यूं ही पड़ता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार।